हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में, और यहाँ पे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर है, प्रोसेस है। मुझे काफ़ी सारे लोग ने कमेंट करा है और मैसेज करा है कि सर कि आप तो एक टेस्टर हैं और आपकी परसेंटेज भी कम थी, फिर आपने 2015 में इंजीनियरिंग करी थी बट 2017 से जॉब करना स्टार्ट करा, तो क्या क्या चैलेंजेस मतलब आपने फेस किया। तो मैं वो अपना एक्सपीरियंस बताने का कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो देखिए, टेस्टिंग जो है सो एक टाइप का नहीं है, बहुत सारे टाइप ऑफ टेस्टिंग होता है, ठीक है। बट करियर शुरू करने के लिए आपको कहाँ से शुरू करना है, किस चीज़ से स्टार्ट करना है, तो बहुत ही सरल है, बहुत ही मतलब लिमिटेड टॉपिक्स हैं और बहुत ही लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं बोल सकते हैं कि टेस्टिंग में अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। तो हम बात करेंगे, पहले हम बात कर चुके हैं कि परसेंटेज जो है 60 थ्रू आउट वो एमएनसीज के लिए हैं, और बहुत सारे एमएनसीज हैं जो 60 थ्रू आउट परसेंटेज नहीं देखती है, ठीक है। तो परसेंटेज वाला टॉपिक एक सेपरेट है। और रही बात, तो अभी हम बात करेंगे ऑफ कैंपस का, ठीक है, क्योंकि जो लोग जॉब मतलब बीटेक करने के बाद जॉब सर्च कर रहे हैं और उनको टेस्टिंग में आना है, अपना करियर टेस्टिंग में शुरू करना है, तो हम उनके लिए हम बताएंगे मतलब फ्रॉम स्क्रैच स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्टिंग हैं, लेकिन आपको कहाँ से शुरू करना है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो पहला आप क्या कीजिए कि आप पहला मैनुअल टेस्टिंग के बारे में आप गूगल से, यूट्यूब से, या बहुत सारे ऑनलाइन पेड वेबसाइट्स हैं लर्निंग के लिए, वहाँ से आप नॉलेज लेना शुरू कीजिए और चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। क्योंकि ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो कोई बड़े कोचिंग सेंटर में जाके वहाँ पैसे दे दिए और वहाँ फिर आपको समझ में नहीं आया, तो इससे पहले है कि आप उसके बारे में मतलब एक्सप्लोर कीजिए। मेरे बातों पे क्यों बिलीव करना है, ठीक है। मैं आपको एक सजेशन के तौर पे बता रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि एक वीडियो बनाइए, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप टेस्टिंग ही करो, आप डेवलपमेंट में ही जाओ, मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहला मैनुअल टेस्टिंग के बारे में जानने का शुरू कीजिए, टेस्टिंग होता क्या है, ठीक है, ये सब चीज़। और फिर ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में बहुत सारे टूल है, बहुत ही ज़्यादा टूल है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, फिर से बोल रहा हूँ कि जिन जो फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहला मैनुअल टेस्टिंग, दूसरा जावा विथ सिलेनियम, जावा सिलेनियम, ठीक, जावा में कोर जावा, फिर बेसिक नॉलेज आपका एसक्यूएल का चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको डीबी से डेटा फैच करने के लिए। फिर हम बात करते हैं कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल मतलब जीरा के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कैसे रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, तो हाँ ये सब रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं SRS टू BRS, BRS टू SRS, और ये सब चीज़ आपको मैनुअल टेस्टिंग के ही कोर्स में आ जाएगा। तो मैनुअल टेस्टिंग, जावा सिलेनियम, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल जीरा, फिर डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल, मतलब डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल में आ जाता है बगजिला, आ जाता है वर्जन वन आ जाता है, ठीक है, जीरा में भी डिफेक्ट ट्रैक करते हैं। फिर उसके बाद आपको एक बेसिक API को टेस्ट करने का टूल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, बेसिक जो बोलते हैं पोस्टमैन, ठीक है। उसके बाद उसमें जावा सिलेनियम का ही पार्ट है फ्रेमवर्क,
उसमें आपका टेस्टेंजी हो गया, कुकुम्बर हो गया, मावेन हो गया, आंट हो गया, तो ये सारे हैं फ्रेमवर्क, ठीक है, ये सब सिलेनियम का पार्ट है। और फिर उसके बाद आपको फंक्शनल नॉलेज, ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर कौन सा प्रोजेक्ट बताऊं, कौन सा प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूं अपने सीवी में। भैया एक छोटा सा कोई एप्लीकेशन लो, HRMS, ठीक है, या जो भी ऐप आप डेली यूज करते हो डे बाई डे, जैसे कि अभी देख लीजिए कि फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उसके बाद आपका अभी जैप्टो का बहुत मार्केट में डिमांड चल रहा है, ये ऐप हो गया। उसके बाद आप देखिए कि कोई ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन, SBI का वेबसाइट ओपन कीजिए, उसके बाद RBI का और LIC ऑफ इंडिया, वहाँ पे देखिए कि मॉड्यूल्स कितने हैं एप्लीकेशंस में और एक्सप्लोर करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन में क्या लॉग इन होता है, लॉग आउट होता है, फिर होम पेज होता है, ये सारे चीज़ को आप क्या कीजिए कि आपको ये नहीं बोलना कि आपने LIC के ऐप पे काम किया है, SBI के, उसी के हिसाब से एक अपना प्रोजेक्ट आप एनालाइज कीजिए, आप कॉपी लीजिए, वहाँ पे लिखिए, ठीक है, ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में लॉग इन होता है, लॉग आउट होता है, होम पेज होता है, उसके बाद कौन कौन सा उसके मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया, ये सब चीज़, बुक RD, FD, ये सब चीज़ सब मॉड्यूल ऑफ एप्लीकेशन होता है। तो आप एक प्रोजेक्ट के तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ हमने एक बैंकिंग प्रोजेक्ट पे काम किया है और उसका हमने टेस्टिंग किया है और इंटरनल हमारे कॉलेज में ऐसा प्रोजेक्ट था, या आप जहाँ से भी आप मतलब कोई अगर कोचिंग से आप टेस्टिंग का कोर्स कर रहे हो तो वहाँ पर नाम लेना है, जैसे कि इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, No.1 इंस्टीट्यूट है, QSpider है, उसके बाद फिर से ABC है, फिर टेस्टिंग कैंपस है, तो आपको ऐसे बताना कि वहाँ पे हमको एक डम्मी एप्लीकेशन दिया गया था जो मतलब बैंकिंग डोमेन से था, चाहे ई कॉमर्स डोमेन से था, उसका ये मॉड्यूल था। अब आपको समझ रहे हैं ना कि किस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, तो इस पे हमने इसी मॉड्यूल पे काम किया है, जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशन में, तो आप उनको बताइएगा कि मेरा जो मॉड्यूल था वो RD था, FD था, बैलेंस ट्रांसफ़र था, ठीक है, उसके बाद लोन्स थे, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, ये सब सेक्शन पे मैंने टेस्ट किया है। फिर उसके बाद वो बोलेंगे कि कैसे टेस्ट किया है, तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि वो हमको रिक्वायरमेंट आया था, उसको हम एनालिसिस किए थे, फिर उसको आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप उसमें मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म किए हो या ऑटोमेशन किए हो। मैनुअल किए हो तो आपने टेस्ट के स्टेट सिनेरियो ये सारा चीज़ आपको मैनुअल टेस्टिंग के कोर्स में मिलेगा। ऑटोमेशन में तो ऑटोमेशन में आपने कैसे उसको उस इन सारे मॉड्यूल को ऑटोमेट किया है विद द हेल्प ऑफ जावा सिलेनियम, ठीक है, तो ये सब आपको सिलेनियम के कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, एज ए टेस्टर। फिर उसके बाद फंक्शनल नॉलेज तो मैं बता ही दिया कि जो एप्लीकेशन अगर ई कॉमर्स है तो आपको ई कॉमर्स डोमेन का नॉलेज होना चाहिए, बैंकिंग का है तो बैंकिंग डोमेन का नॉलेज होना चाहिए, मोबिलिटी का है तो मोबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आजकल देख लीजिए, और या मेडिकल का है तो अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड ऐप है तो उसको हम बोलते हैं EHR EMR, वहाँ पे मतलब जब पेशेंट का ट्रीटमेंट से लेके उसका जितना मेडिकेशंस, उसका फेसिट, इम्यूनाइजेशन, उसका मेडिकल हिस्ट्री, ये सारे चीज़ उस ऐप में कैप्चर होता है। तो ये सब चीज़ डोमेन आप एक डोमेन पकड़िए, उस डोमेन के एप्लीकेशन को समझने का कोशिश कीजिए, और फिर उसके उसमें डोमेन नॉलेज पे फोकस कीजिए, ठीक है। जैसे मोबिलिटी का हो गया, मोबिलिटी का एक अलग डोमेन है, बैंकिंग का हो गया BFSI, आप सुने होंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये बहुत बूम पे है, हेल्थ केयर का आजकल बहुत डिमांड है, तो थोड़ा डोमेन नॉलेज पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो पहला फिर से मैनुअल टेस्टिंग, जावा सिलेनियम, डैट्स ऑल। कोई और बोलेगा कि नहीं नहीं पाइथन सिलेनियम पढ़ लो, बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो नहीं, ये 2022 में मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है, पाइथन आप फ्यूचर में सीख सकते हैं, जब एक बार करियर आप किसी कंपनी में सेट हो जाते हो, देन यू कैन लर्न पाइथन सिलेनियम, व्हाट एवर यू वांट टू लर्न, यू कैन लर्न परफॉर्मेंस टेस्टिंग,
उसके बाद आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग, उसके बाद जितना ऑटोमेशन टूल है आप बाद में कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट करने के लिए मैनुअल टेस्टिंग, जावा सिलेनियम, SQL, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, उसके बाद डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल, उसके बाद प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करना है, फिर डोमेन नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और इतना ही, ठीक है, और तो कुछ हाँ, उसके बाद आपको बिल्ड टूल जैसे हो गया, बिल्ड टूल में जैसे मावेन हो गया, ग्रेडल हो गए, ये सब आपको ऑटोमेशन में ही पता चल जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे फोकस करना है। तो गिटहब हो गया, गिट लैब हो गया, कि को आप जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखोगे उसको कहाँ मतलब उसको सेव करोगे, एक रिपोजिटरी चाहिए हो गया, उसके बाद आईडी, मतलब जो कोडिंग करोगे स्क्रिप्ट लिखोगे तो उसमें कौन सा आईडी, जैसे इक्लिप्स हो गया, इंटेलिजी आइडिया हो गया, तो बहुत सारे आईडी है, तो अपने हिसाब से ये सारे चीज़ आपके उसी में जावा सिलेनियम में ही आपको बताया जाएगा, ये सारे जो टूल हैं। अब तो मैं कुछ छोड़ा छूटा ही नहीं, हाँ वही डोमेन नॉलेज और फंक्शनल नॉलेज, यही तो भैया बस इतना। टेस्टिंग में कुछ ज़्यादा नहीं है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, लोग क्यों डरते हैं पता नहीं, क्योंकि उनको उनको ये होता है ना भाई, परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग है, मोबाइल डिवाइस टेस्टिंग है, भाई ऐसे करेंगे तो टेस्टिंग तो बहुत सारे हैं। धीरे 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 आप जब स्टेबल होगे, कंपनी टू कंपनी टेस्टिंग टूल, ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल चेंज होता है, तो आप अपने करियर में जितना ज़्यादा ग्रो करोगे उतना ज़्यादा चीज़ सीखोगे, लेकिन स्टार्ट करने के लिए बस भैया एक वही मैं फिर से मैनुअल टेस्टिंग और जावा सिलेनियम, और बाकी बात जो मैंने आपको बताया मेन यही है। मैनुअल टेस्टिंग का सारा कंसेप्ट आपको आना चाहिए, SDLC, STLC, डिफेक्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, टेस्ट केस टेम्पलेट क्या हुआ है, क्या है, टेस्ट सिनेरियो कैसे लिखते हैं, फिर कितने टाइप ऑफ एप्लीकेशन होते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट केस डिजाइन टेक्निक, उसके बाद बिल्ड प्रोसेस क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फिर ऑटोमेशन में आपको बोला जावा सिलेनियम में, तो जावा में आपको उप्स कंसेप्ट, ठीक है, उसके बाद फाइल हैंडलिंग, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, और छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये सब चीज़ जैसे फ्रेमवर्क पार्ट है, वो सब पे आपको फोकस करना है, बस यही है और कुछ नहीं है मेरे भाई, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जब तुम्हारे पास पूरा कंटेंट रेडी हो जाएगा, दो कॉपी लेना, मैं बार बार बोलता हूँ, दो नोटबुक लेना, एक मैनुअल टेस्टिंग स्टार्ट करना स्क्रैच से, एक में ऑटोमेशन टेस्टिंग स्टार्ट करना और प्रैक्टिस करना, ठीक है, टेस्ट केस लिखने का प्रैक्टिस करना, एक्सेल शीट आना चाहिए, एक्सेल के बारे में नॉलेज होना चाहिए पहले, तो एक्सेल में टेस्ट केस कैसे लिखते हैं सब प्रैक्टिस, वो कोर्स में ही तुमको बताया जाएगा, यही है। और फिर तुम कोडिंग का प्रैक्टिस करना, कोर जावा का बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ये सब का प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद हाँ, ये जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट है सबको ऑटोमेट करने का कोशिश करना, ये सब भी तुमको बताया जाएगा जब एक बार ऑटोमेशन टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले नॉलेज गेन करना है, ठीक है, मतलब पहले तुम्हारे पास एक मतलब मटेरियल हो जाएगा ना तुम्हारे अंदर, देन सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप होता है रिज्यूम बिल्डिंग, CV बिल्डिंग, ठीक है। तो CV बिल्डिंग के लिए तुम क्या करना, गूगल पहले करना, वहाँ पे लिखना कि जैसे फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो आप लोग, तो वहाँ पे टाइप करना कि इसका CV और इसका रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, तो आपको बतेरे CV मिल जाएगा, नहीं मिलेगा मेरे को मेल करना, मैं तुमको 50-100 CV भेज दूंगा, ठीक है, उसके हिसाब से एडिट करना। और हाँ, और यही है, और जैसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं तो मैनुअल टेस्टिंग का, ऑटोमेशन टेस्टिंग का, तो पहले एक्सप्लोर कीजिए, फिर उसके बाद हो सके तो, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड का है, तो ऑनलाइन जैसे मैं रिकमेंड करूँगा जावा सिलेनियम के लिए, एक यूडेमी पे वीडियो है राहुल शेट्टी का जावा सिलेनियम का, वहाँ से आप कर सकते हो। जावा के लिए आपको यूट्यूब पे एक चैनल है दुर्गा सर का, बहुत ही डीप, बहुत छोटा छोटा चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन थोड़ा स्लो है। और मैनुअल टेस्टिंग के लिए आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स मैं दे दूंगा, मेरे पास एंड टू एंड नोट्स है, खुद का अपना नोट्स बनाया हुआ ये है, नहीं तो बहुत सारे गूगल पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोर्स कहीं जाके करना है तो
तो कोर्स करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा बेंगलोर में, नोएडा में, चेन्नई में, पुणे में, हैदराबाद में, इन सब जगह पे ये क्यू स्पाइडर्स, आप गूगल कीजिएगा, क्यू स्पाइडर्स के बहुत सारे ब्रांचेज हैं। एक शहर में पांच पांच छः छः ब्रांचेज हैं। तो क्यू स्पाइडर जावा के लिए, सॉरी टेस्टिंग के लिए, जावा के लिए जे स्पाइडर्स मैं रिकमेंड करूँगा। बाकी बात, और कोचिंग सेंटर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो लोग प्लेसमेंट के नाम पे पैसा ठगते हैं। बट दिस इज़ द जेन्यून, मतलब इस ये 100% मैं वहाँ से किया हूँ, मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। मेरे से बहुत सारे दोस्त आए, मेरे बहुत सारे जूनियर्स आए, तो उन सबको वहाँ पे, जिनको जावा करना था वहाँ पे ज्वाइन करवाया, और अभी सारे लोग प्लेस हैं। ठीक है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ में, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपका जो एम है, आपका फोकस है। मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बट नाउ आई एम गुड। सो हाँ, फिर बात होती है कि सर कैसे कॉल वॉल मिलेंगे अगर हम किसी कोचिंग के थ्रू नहीं है। भाई तुम कोचिंग के थ्रू हो या ना हो, Naukri.com और LinkedIn, बस यही दो जॉब साइट फॉलो करना है। उसके अलावा मैं तीन चार नहीं बोलूँगा, नहीं तो नहीं, मतलब जॉब ज़्यादा हो जाता है ना, तो आदमी घस पीस हो जाता है। तो जॉब साइट के लिए जैसे लिंक्डइन हो गया, वहाँ पे अपना CV से अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद Naukri.com पे 100% प्रोफाइल होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है 100%, मेरे से बात कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, मैं हेल्प करूँगा। और तो कुछ नहीं है, बस यही है। पहला कंटेंट आपके पास, देन CV बिल्डिंग, रिज्यूमे बिल्डिंग। ठीक, उसके बाद अप्लाई करना, जॉब स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना है, बस यही है, इतना ही सिंपल सा। थैंक यू। अगर आपको कोई भी टेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट और कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को मैसेज या कमेंट में लिख सकते हो, फिर हम आपको वहाँ पे बताएंगे। बट टेस्टिंग ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, इतना ही छोटा है। सो घबराने का नहीं, अगर करना है तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया, आप रिकमेंड भी किया कहाँ से करना है क्या नहीं करना। अगर नहीं, जैसा आपको लगे वो आपके ऊपर है, आप कीजिए। ठीक है, थैंक यू।